नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जन स्वास्थ्य विभाग अम्बाला छावनी में अपने 37 वर्ष के कार्यकाल को पूरी जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाते हुए समाज सेवी अनिल गर्ग आज रिटायर्ड हो गए हैं। इस अवसर पर आयोजित विदाई समारोह में भारी संख्या में सहकर्मी मौजूद रहे। जन स्वास्थ्य विभाग के जेई जगदीप विर्क और अन्य सभी साथियों ने हार और फूल मालाएं पहनाकर उनका अभिवादन किया। विभाग के जेई जगदीप विर्क ने उनकी कार्यशैली और पूरी निष्ठा लगन से विभाग में काम करने की प्रशंसा करते हुए उनके अनुभव को अन्य कर्मचारियों से साझा किया। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में कोई भी इनकी जगह पर नियुक्त हो वो इस छवि के साथ अपने कार्यभार को संभाले। साथ ही विदाई के समय विभाग की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भी दिए गए और सहकर्मियों ने यहां पर तालियां बजाकर उनका अभिवादन किया। इसके पश्चात दोपहर को सभी आए हुए मेहमानों और रिश्तेदारों का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा कराया गया और खाने का भी प्रबंध रखा गया। आपको बता दें कि समाज सेवी अनिल गर्ग काफी लंबे समय से जय माता दी सेवा दल के साथ जुड़े हुए हैं। इस संस्था ने कोरोना काल में काफी समय तक जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया। ये संस्था अनेक धार्मिक और सामाजिक उत्सवों में भंडारा लगाकर भी जन सेवा का उल्लेखनीय कार्य करती है। आपको बता दें कि आज इस दौरान अनिल गर्ग के साथ ही उनके एक अन्य सहकर्मी रविंद्र कुमार भी रिटायर्ड हुए हैं। अम्बाला से हमारे संवाददाता सर्वेश शर्मा की रिपोर्ट। पब्लिक हेल्थ अम्बाला का आज हमारे दो वर्कर अनिल गर्ग एक मिनट जो अपनी सर्विस पूरी करके तैयार हो गए। बहुत ही बढ़िया वर्कर, बहुत बढ़िया सर्विस। किस तरह की खुशी आपको महसूस हो रही है आज? खुशी भी हो रही है, दुख भी हो रहे हैं। वो बहुत कम करने वाले वर्कर के रिटायर हो गए। कितना समय आप लोगों के साथ ये रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए यहाँ। मेरे साथ काम कर रहे हैं। क्या मैसेज देंगे आप अगले आने वाली जो जनरेशन है या इनके बाद जो इनके जगह पर लोग लेने वाले हैं उनको लेकर? वो भी आगे आए, इनकी जगह काम करें, वो भी जैसा ये काम करते हैं। धन्यवाद आपको अनिल जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आज के दिन जो है आप रिटायरमेंट की आज तारीख पर यहाँ बैठे हुए। आज जो है 31 मई 2022 की आज तिथि है और आपके आज जो है भाग्य में ये तारीख जो है लिख दी गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा ये समय बहुत अच्छे से व्यतीत हुआ है। मैंने 37 साल नौकरी करी है, 1985 में लगा था मैं यहाँ पर और बहुत अच्छे से ड्यूटी भी करी है, अच्छे से समय व्यतीत हुआ है। आपके साथ आज एक साथी और भी जो है वो रिटायर हुए हैं, ये रविंद्र कुमार जी हैं। जी जी रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप आज? मेरा नाम रविंद्र कुमार है जी। मैं सन 1993 में लगा था जी और आज रिटायरमेंट हो रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा बढ़िया। बाकी सबका धन्यवाद। अगले आने वाले समय में जैसे अब रिटायरमेंट पे आप आज हो चुके हैं, आज आप सारा काम जो है अपना सब कार्यभार जो है आज मुक्त हो चुके हैं और आने वाले समय में आज का जो अगला समय होगा उसको कैसे आप बिताएंगे, कैसे व्यतीत करेंगे? बच्चे छोटे जॉब तो मुझे करनी पड़ेगी, कोई भी काम बेटे पढ़ रहा है, बड़ा भी छोटा भी जॉब तो मुझे करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करूँगा। अनिल जी एक सवाल हो रहा आपसे कि अगली आने वाली जो जनरेशन है जो आपके बाद इस जगह पर जिस जगह पर अभी कार्यरत आपसे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आने वाले वो कर्मचारी हैं अच्छे से काम करें, दिल लगा काम करें, मेहनत से काम करें। धन्यवाद आपका। जी बिल्कुल, आज देख रहे हैं सीधी तस्वीरें इस समय पीडब्ल्यूडी जन स्वास्थ्य विभाग से, जहां पर अभी जो है दो कर्मचारी जो है, दो अधिकारी जो है यहां से अभी आज जो है रिटायरमेंट पे पहुंचे और साथ के साथ आपको दिखा दें कि यहां पर पूरे पंडाल में जो है काफ़ी संख्या में जो है इनके साथ काम करने वाले जो भी इनके साथ के कर्मचारी हैं या जो भी साथ में इनके काम करने वाले जो भी यहाँ के वर्कर हैं, सभी लोग एक साथ एक परिवार की तरह एक जुटता का संदेश दे रहे हैं और सभी जो है आज कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर चल रहे हैं। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा मैसेज दिया है आज अनिल जी ने यहाँ पर कि मेरे बाद या इस महकमे में आज तक जो है हमें पूरा परिवार मिला और पूर्ण सहयोग। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।